हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बतलाने वाला हूं। वैसे तो मेरा कोर कॉम्पिटेंस पराष्ठा होरा शास्त्र में है, बट मैं साथ साथ और भी अलग अलग पद्धतियों को पढ़ता हूं। तो अभी मैं फिलहाल जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बतलाने वाला हूं कि किस प्रकार हम डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देख सकते हैं। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी हमें ये दृष्टि देती है कि हम कोई भी सिचुएशन को, चाहे वो मैरिज हो, बर्थ हो, डेथ हो, या फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट हो, उसके ऊपर हमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने का सामर्थ्य देता है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, कि हम अंतिम में कहाँ पहुंचेंगे, हमारा सोल का क्या डेस्टिनी है, एग्जैक्ट डेस्टिनी को वो दर्शाता है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। जैमिनी एक ऋषि थे जो पराशरा से बहुत पहले आए और उन्होंने अपना पद्धति, अपने प्रिंसिपल्स दिए कुछ। तो जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं कि ग्रहों का अपना एक दृष्टि होता है, अपना एक्सपेक्ट होता है। जैसे बृहस्पति का 5, 7 और 9, उसी प्रकार अगर हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि इसमें ग्रहों का अपना दृष्टि नहीं होता, इसमें राशियों का अपना एक्सपेक्ट होता है, अपनी दृष्टि होती है। तो सबसे पहले हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, पराष्ट्रा होरा शास्त्र में जो हम यूज करते हैं, उसमें ग्रहों का अपना दृष्टि होता है और राशियों का दृष्टि नहीं होता। लेकिन जैमिनी में हमें यह मालूम चलेगा कि राशियों की अपना एक्सपेक्ट होता है। तो मैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के कुछ मूल तत्वों को आपके सामने रखता हूं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि राशियों में कुछ अग्नि तत्व के, कुछ जल तत्व के, कुछ पृथ्वी तत्व के, कुछ वायु तत्व के अलग अलग राशियां होती हैं। ग्रह भी 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुरुष और समग्रह, जिसे हम नपुंसक भी कहते हैं। तो उसी प्रकार जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम ये जानेंगे कि राशियों का अपना नाम है। जैसे अगर हम मेष लें, तो जो केंद्र का हमारा घर होता है वह मेन पिलर होता है, हमारे जीवन का मेन पिलर होता है जो केंद्र का राशि होता है, जो है 1, 4, 7 और 10। बाकी जो यह द्वितीय घर, अष्टम घर, पंचम हाउस और 11th हाउस, यह हमारा फिक्स्ड साइन होता है। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, और तीसरा, छठा, नौवां और 12वां, यह हमारा न्यूट्रल हाउस होता है। तीसरा, छठा, नौवां और 12वां। तो जैसे हम जानते हैं कि बृहस्पति की, अपनी ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का अगर हम दृष्टि देखें तो 5, 7 और 9 होता है। उसी प्रकार अगर हम जब जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में, उसी प्रकार जब हम जैमिनी में देखेंगे तो जो केंद्र हाउस होती है उनकी दृष्टि यह फिक्स्ड हाउस पे पड़ती है पूरी तरीके से, सिवाय उनके एक बाद, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसी प्रकार जो फिक्स्ड हाउस होती है उनकी पूरी दृष्टि केंद्र हाउस में होती है, सिवाय उनके भी एक बाद, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो न्यूट्रल हाउस होता है वह 3, 6, 9 और 12, इनकी सिर्फ आपस में दृष्टि होती है। तो कैसे ये दृष्टि है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए सैटर्न, जो शनि है, वो अगर लग्न में बैठे हो,
तो इनकी कहां कहां दृष्टि होगी? तो मैंने बताया कि जो केंद्र हाउस है उनकी दृष्टि फिक्स्ड हाउस में सिर्फ होती है सिवाय एक बार। तो हम देखेंगे शनि की कहां कहां दृष्टि हो जाएगी। तो शनि की दृष्टि हो जाएगी यहां, यहां और यहां। मैंने बताया था आपको कि शनि जो केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र घर में, मेनली हमें ये राशि देखनी है, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। तो शनि की दृष्टि मैंने बताया कि जो फिक्स्ड हाउस है जो 2, 5, 8 और 11 है उसमें पड़ेगी, लेकिन उसके जस्ट एक बाद वाली घर पे नहीं पड़ेगी। तो वह घर है यह दूसरा हाउस। तो इस पे छोड़ के 5वां, 8वां और 11वें पे शनि की दृष्टि रहेगी। उसी प्रकार हम जब ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में वैदिक ज्योतिष शास्त्र जो पराशरा होरा शास्त्र है उसमें हम देखते हैं कि शनि की अपनी जो दृष्टि है वह तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दसवीं दृष्टि होती है। तो हम जब इन दोनों ज्योतिष शास्त्र को जब कनेक्ट करते हैं, दोनों पद्धति को जब हम कनेक्ट करके देखते हैं, तभी हम देखते हैं कि शनि का जब दशा चलता है तो सिर्फ हमें अगर हम पराशरा के हिसाब से देखें तो तीसरा, सातवां और दसवें पे दृष्टि पड़ रहा है अगर वो लग्न में बैठा है। लेकिन अगर हम जैमिनी के हिसाब से देखें तो जैमिनी हमें ये कहता है कि ग्रहों की अपनी दृष्टि नहीं, राशियों की अपनी दृष्टि होगी। और उन्होंने तीन भाग में डिवाइड किया है राशि को, एक केंद्र हाउस, दूसरा फिक्स्ड हाउस और तीसरा है हमारा न्यूट्रल हाउस। तो ये हमने देखा कि शनि अगर लग्न में बैठ जाए और वो मेष राशि हो, चूंकि मेष राशि केंद्र राशि है इसीलिए शनि की दृष्टि हो जाएगी पांचवें पे, पांचवें राशि पे, आठवें राशि पे और ग्यारहवें राशि पे। और चूंकि शनि का खुद का अपना दृष्टि है जो हमें पराशरा होरा शास्त्र बतलाता है, तो शनि का भी अपना दृष्टि हो गया तीसरा, सातवां और दसवां। तो टोटल हमें देखने को मिल रहा है कि शनि के यहां पे टोटल 6 दृष्टि है। तो इसी प्रकार जैमिनी एस्ट्रोलॉजी हमें एक अलग कंसेप्ट देता है कि हम किस दूसरे एस्पेक्ट से किस प्रकार हम अपने कुंडली को देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बतलाऊंगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है उसमें हर एक रिलेशन का, हर एक जीवन के एक एलिमेंट का एक कारक ग्रह है। उसे हम जैसे मातृ कारक ग्रह चंद्रमा है, पितृ कारक ग्रह सूर्य है, उसी प्रकार संतान कारक बृहस्पति है, भ्रातृ कारक मंगल है, दर कारक शुक्र है। लेकिन जो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है वो हमें अलग कंसेप्ट देता है कि किस प्रकार हम अपने रियल कारक को निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन में मातृ कारक कौन से ग्रह हैं, हमारे जीवन में भ्रातृ कारक कौन से ग्रह हैं, हमारे जीवन में दर कारक जो मैरिड लाइफ है उनके कारक कौन से ग्रह हैं, वो हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी हमें बिल्कुल इन रिजल्ट देता है, बिल्कुल आत्मा के जो डेस्टिनी डिसाइड कर रखी है यूनिवर्स ने वो हमें दिखलाता है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो यह हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने यहां पे लिख भी दिया है, पहला आत्मा कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह, भ्रातृ कारक ग्रह, मातृ कारक ग्रह, पुत्र कारक ग्रह, जाति कारक ग्रह और दर कारक ग्रह। तो टोटल जैमिनी ने 7 कारक को डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीजन है कि जो हम ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं कि टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें 2 है राहु केतु जो छाया ग्रह है। तो राहु केतु के बारे में हम ये जानते हैं कि राहु अपने पूर्व जन्मों में जो हमने कृत्य नहीं किया है उसे हमें अकम्प्लिश करना है इस जन्म में, वह है राहु। और पूर्व प्रारब्धों में हमने जो अकम्प्लिश कर लिया है वह केतु है। तो वह हमें आत्मा का एक मैसेंजर है, आत्मा का एक सिग्निफिकेटर है। इसीलिए जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम
राहु और केतु को डिफाइन नहीं करते क्योंकि वह आत्मा कारक ग्रह के साथ ही वह कार्य करते हैं। इसलिए हमने सात प्लैनेट्स को लिया है और सातों को अलग अलग कारक में विभाजित किया है। तो हमारे कुंडली में जो भी सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह रहता है वो हमारा आत्मा कारक ग्रह बन जाता है। उससे एक लोएस्ट अमात्य कारक, उससे लोएस्ट भ्रात्य कारक, उससे लोएस्ट मातृ, उससे लोएस्ट पुत्र, उससे लोएस्ट जाति और सबसे लोएस्ट दर कारक ग्रह हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री के जो ग्रह रहते हैं हमारे कुंडली में वो हमारे आत्मा कारक ग्रह रहते हैं। आत्मा कारक ग्रह का मतलब होता है कि जो हमारे आत्मा जो जहां से आया है, जहां को जाना है, हमारे आत्मा का क्या पर्सनैलिटी है, हम खुद अगर हम लग्न को ले लें तो वह आत्मा उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वह आत्मा कारक ग्रह जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का हो वह आत्मा कारक ग्रह हमारे लिए होता है। उसी प्रकार अमात्य कारक की हमारा जो वह एक आत्मा कारक ग्रह का मिनिस्टर टाइप होता है, मिनिस्टर होता है कि वह किस प्रकार आत्मा को दिशा दिखलाता है। उससे हम अपने करियर प्रोफेशन को भी समझते हैं। हमारा 10th हाउस जो है एग्जैक्ट, उसे भी हम उससे ही समझते हैं अमात्य कारक। उसी प्रकार भ्रातृ कारक जो हमारे सिबलिंग्स या फिर हमारे स्पाउस हैं उसे हम भ्रातृ कारक से देखते हैं। मातृ कारक जो माता और पिता हैं उनके थ्रू लीनियज, उनके वैल्यू सिस्टम को हम मातृ कारक से देखते हैं। पुत्र कारक जो हमारे जीवन में संतान का भाव है, संतान को हम अपने पुत्र कारक से देखते हैं। जाति कारक, जाति कारक हमारे 6th हाउस और 12th हाउस एक तरीके से है क्योंकि 6th हाउस से हमारे जीवन में अलग अलग ऑब्स्टेकल्स या फिर जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे जीवन के रोग, 12th हाउस हमारा लॉसेस या फिर आइसोलेशन, ये सभी चीज 12th हाउस से आते हैं। तो ये हमारे जाति को डिफाइन करता है कि हम क्या हैं इस जीवन में, हम एग्जैक्ट हम क्या है। उसी प्रकार दर कारक जो आखिरी और सबसे लोएस्ट डिग्री का घर, सबसे लोएस्ट डिग्री के जो प्लैनेट होते हैं वह दर कारक होते हैं। दर कारक का अर्थ है हमारे हमारे स्पाउस, हमारा पार्टनर, मैरिड लाइफ, ये सभी हम दर कारक से देखते हैं। तो आज मैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में बस आपको इतना ही बताने वाला हूं कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी कितना सरल है अगर हम इसे समझ लें। इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इतने दिनों से और समाज में जो अभी प्रचलित है वह पराशरा होरा शास्त्र है। चूंकि पराशरा होरा शास्त्र बहुत ही ज्यादा डिफाइंड और बहुत ही सूक्ष्म लेवल में चीजों को समझा रखा है जो हम अपने जीवन में दैनिक जीवन तक को उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने डेस्टिनी की बात करी जाए, अगर हम अपने डेस्टिनी के ऊपर देखें, हम अपने आत्मा के लाए हुए एनर्जी और किधर को वो ड्रिवन होना है उसकी अगर बात करें तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन देगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बाकी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम दोनों पद्धतियों को साथ में रखकर अपने कुंडली को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पराशरा होरा शास्त्र है उसमें ग्रहों की अपनी दृष्टि होती है, लेकिन जैमिनी में अगर देखी जाए तो ग्रहों की दृष्टि नहीं होती, राशियों की अपनी दृष्टि होती है। उसी प्रकार जैमिनी ने राशियों को 3 भाग में बांटा है। जैमिनी ने राशि को 3 भाग में बांटा है। पहला जो केंद्र हाउस है, दूसरा जो फिक्स्ड हाउस है। केंद्र हाउस हमारा यह बीच वाला सभी घर है, केंद्र राशि। उसी प्रकार जो फिक्स्ड हाउस है वह हमारा द्वितीय, पंचम, अष्टम और 11वां है। इसके वही एक रीजन है क्योंकि द्वितीय हाउस जो हमारा फैमिली है, पंचम जो हमारा संतान है, 8वां जो हमारा अपना मैरिड लाइफ भी है और सडन इवेंट है, ऑकल्ट है, 11वां जो हमारा फिक्स्ड
जो हमारा आई है, स्व आई है, वह एक इक्वल रहता है। उसी प्रकार तीसरा राशि का विभाजन है, जो तीसरा, छठा, नौवां और बारहवां है, यह हमारा न्यूट्रल हाउस होता है, न्यूट्रल राशि होती है। तो जैमिनी ने तीन भाग में राशियों को बांटा है। उसी प्रकार अगर पराशरहोरा शास्त्र की बात की जाए तो उसने उसने तो उसमें भी राशियों का अलग अलग विभाजन कर रखा है, जो तत्वों के ऊपर है। ग्रहों का अपना विभाजन है, जो स्त्री पुरुष और सम ग्रह है। तो उसी प्रकार हम दोनों को बिल्कुल अलग अलग रख कर दोनों को समझ सकते हैं कि यह पद्धति हमें क्या बोलती है और यह पद्धति हमें क्या बोलती है, और तब हम अपनी कुंडली को और भी ज्यादा सटीक रूप से देख पाएंगे और चीजों का जो एग्जैक्ट और इफेक्टिव रिजल्ट है वो हम निकाल पाएंगे। कि कभी कभी हमें ये होता है कि हम ये देखते हैं जब पराशरहोरा शास्त्र में जो विंशोत्तरी महादशा है उसके हिसाब से अगर देखी जाए, तो अगर सप्तम भाव का कोई महादशा चल रहा हो, शुक्र का मान लीजिए महादशा चल रहा हो, जैसे यहाँ पे तुला राशि है, तो शुक्र का महादशा में आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर ये बोल देते हैं कि आपकी शादी अभी होनी है या होगी, लेकिन पता चलता है कि शुक्र की महादशा में उनकी शादी हुई ही नहीं, उनके विवाह हुआ ही नहीं, तो वह क्यों? तो उसके जब हम अंदर अनफोल्डेड चीज को जब हम फोल्डेड चीज को अनफोल्ड करेंगे, जो हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे जो दर कारक है वो कोई और ही ग्रह है। मान लीजिए वह ग्रह है चंद्रमा और वह कहीं और बैठे हुए हैं, और जब चंद्रमा का कोई दशा आया तब उसमें उस जातक की शादी हुई। तो यह इतना ज्यादा सटीक है कि चीजों का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम एंड बिल्कुल इवेंट का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को आपको डिफाइन करता है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आगे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पे सीरीज बनाऊंगा कि किस प्रकार हम अपने डेथ एंड रिबर्थ को समझ सकते हैं, किस प्रकार हम अपने पास्ट लाइफ को समझ सकते हैं थ्रू जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। We'll be right back.